कभी ऐसा सोचा प्राप्त होता है और यहाँ महामय की व्यवहार में ऐसा अवसर सबके जीवन में मिलता है। कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग करा रहे हैं, लेकिन धर्म के कारण और ये वो भूमि है और ये भूमन और कुटोपा जिससे सही नृकृष्टि हम लोग का दंपत धरण आचरण लीता बड़े तपस्वी इसी भूमि जो महाराज कुटोपा ने यहाँ पे सब दिया पहुँचे जाई देव मंदिर वो भी यहाँ पर नैनीकरण देखने आए हैं। तो ये भूमि है कैसी तीर्थ और नैनी जिज्ञासा अति पुनीत साधक जिज्ञासा ये साधकों की भूमि है। यहाँ पर आपका ये जो पवित्र संस्कार हुआ है साक्षात हनुमान जी महाराज आपके सम्मुख विराजमान है, आचार काल से अखंड लीप प्रज्वलित है, उसके सम्मुख आपने ये यज्ञ बलि कराया है। ये चार पंक्तियों के विषय को कहने का मेरा तात्पर्य है हम आप बड़े धन्य हैं जो हमको ऐसे माता पिता मिले हैं जिनके आशीर्वाद से आप यहाँ पे आए हैं और मुझे बहुत खुशी मिली है कि आप अपने माता पिता की आज्ञाकारी को सुनाएं। भाग्यवान धन्य धरा के सकलु जिनके सुपुत्र उन्हें सुख पहुँचाते हैं और पुत्र मुनि राज का समाज पूर्व पूर्वजों को घोर नरकात में जहाज बन जाते हैं। ये क्यों प्रवीत अब तारा वृत्तांत आप इंजीनियर हैं और विषयों में आप प्रवेश कर चुके हैं लेकिन दो शब्द क्योंकि समय नहीं है थोड़े मात्र कहा सका दूँ। जीवन में प्रथम गुरु है माता और पिता, हम लोग को आपको शास्त्रों की पंक्तियों का ज्ञान करा देंगे लेकिन माता पिता ने हमको यहाँ तक बड़ा किया है। किसी भी मार्ग में जाना उस मार्ग में आपको कठिनाई महसूस हो आप केवल माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लेना और वो कठिनाई वाला मार्ग आपका सुगम हो जाएगा क्योंकि माता पिता के चरणों में ही ऐसा तेज है जो सारे उलझनों से हमको दूर कर सकता है और उन्हें दूर नहीं कर सकता है। दुनिया की गाड़ी में बैठ के आप लंदन पहुंच सकते हैं लेकिन माता पिता के चरणों में बैठ गए तो लंदन भी आपके पड़ोस में होगा और विदेश भी आपके पड़ोस में होगा, सब कुछ आपके पड़ोस में होगा और ऐसा कोई सुख नहीं है जो आप उस सुख से वंचित रह जाए। कहने का तात्पर्य यह है पर माता पिता के चरणों के अंगूठे को पकड़ते रहना और सांसारिक टिकट जगह जगह कटाकर गाड़ियों में बैठे रहना कभी भी कठिनाई नहीं होगा। नहीं।